वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में मोटो का फोन। इसमें अगर आपको जो है हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। अभी मैं इसकी टच मूवमेंट कर रहा हूँ तो टच जो है इसकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, ये हैंग हो रही है ये टच इसकी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इसकी टच जो है हैंग हो रही है, कोई हम मूवमेंट कर नहीं सकते इसके अंदर क्योंकि इसकी टच हैंग हो रही है। तो इसके लिए आपको जो क्या करना है, इसमें आप जब टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपकी टच वर्क करने लगती है। अभी मैं टू फिंगर से यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, फिर इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब हम नीचे की साइड जाएंगे, डाउन साइड पे, वहाँ जाके एक्शन करेंगे। अब ये देखें ये सिंगल फिंगर से वर्क नहीं कर रहा है तो हमें टू फिंगर का ही यूज़ करना है। यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर डबल प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ऊपर तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके, सिलेक्ट टू स्पीक, स्वाइप टू स्लिप्ट और ये टॉल बैक, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ऑन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें इस पर डबल प्रेस करना है, ठीक है, फिर यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा, फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम डबल प्रेस करेंगे, यहाँ से स्टॉप, और ये जो है हमारी हैंड टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।